Assalamualaikum everyone, this is Ali from Mastek. जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कैमरा रिव्यू दे रहे हैं P20 Lite के फ्रंट कैमरे का. आज मैं हूँ मरी में और आपको देखने आया हूँ स्नोफॉल और कलर्स का. आपको बताऊँगा कि डे लाइट में आपको ये कैमरा क्या कलर दे सकता है. अगर मैं कहूँ कि ये मिड रेंज का सबसे बेस्ट सेल्फी फ़ोन कैमरा होगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि P20 Lite एक बेस्ट सेल्फी कैमरा फ़ोन. अगर आप कलर्स देखेंगे तो कलर्स आपको मैं सारे ही कलर्स इसमें दिखा पाऊँगा. अगर आप बात करेंगे रेड कलर की, तो रेड भी इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा, और इसमें येलो कलर भी है शामिल. और इसमें अगर आप सारा व्यू देखें तो आपको कलर इसमें बड़े ऑसम मिल रहे हैं. अब बात करते हैं, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के काफ़ी सारे नए तरीके के रिव्यूज़ आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके. तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं कैमरा रिव्यू की तरफ. जी हाँ दोस्तों, P20 Lite के 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. हम थे शॉर्ट टर्म पर, शॉर्ट टूर पर मरी, तो मैंने सोचा आपको मैं लाइट में भी दिखा दूँ कैसा व्यू देता है. बहुत ही अच्छा अपर्चर है 2.0 का इसका. मिड रेंज का सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा फोन होने वाला है बाकी चाइनीज ब्रांड से P20 Lite. अब चलते हैं नाइट मोड की तरफ. नाइट मोड में आपको बताते हैं क्या रेजोल्यूशन मिलता है क्या नहीं. जी हाँ दोस्तों, मैं टूर पे था, सोचा मैं आपको एक नाइट विजन का लो लाइट इफेक्ट का एक कैमरा रिव्यू P20 Lite का देता चलूँ. सोचा कि आपको बता दूँ कि लो लाइट में P20 Lite आपको फ्रंट से क्या रेजोल्यूशन देता है. तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि P20 Lite का फ्रंट 16 मेगापिक्सल है. मैं एक लाइट के नीचे खड़ा हूँ. मैं हूँ इस टाइम खेवड़ा माइन में, जो कि दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट साल्ट माइन है. अब आपको थोड़ा सा मैं ऑरेंज लाइट की तरफ लेके जाऊँगा, तो आपको अपर्चर का पता लगेगा और डायनामिक रेंज का पता लगेगा कि कैमरे का डायनामिक रेंज क्या है. मेरे साथ जुड़े रहिएगा. अब मैं आपको देख रहे होंगे कि काफ़ी डार्क में आके इसका कैमरा डल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको फ्रंट फ्लैशलाइट नहीं मिलता. अब मैं एक ऑरेंज लाइट के नीचे खड़ा हूँ, और ऑरेंज लाइट के नीचे आपको डायनामिक रेंज काफ़ी हद तक कम नज़र आ रही होगी, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कैमरा काफ़ी बैलेंस नज़र आता है P20 Lite का. अब एक बार आपको वाइट लाइट के नीचे लेके चलूँगा. सो दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको अपने साथ साथ घुमाता चलूँ कि आपको साल्ट माइंस के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या क्या नहीं मिलने वाली, और आपको लो लाइट इफेक्ट कैमरा कैसे मिलने वाला है, कैसा नहीं. जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सेल्फी की, तो ये नॉर्मल मोड पे सेल्फी कैप्चर की गई है. काफ़ी हद तक कलर्स बैलेंस हैं, लेकिन आपको हेयर्स की बात करें तो मेरे हेयर्स पे आपको काफ़ी सारा नॉइस नज़र आ रहा होगा. अब इसी पोजीशन में मैंने बुके इफेक्ट पे ये पिक्चर ली, तो काफ़ी कस्टमाइज नज़र आया P20 Lite का कैमरा. इसने बिल्कुल ही मेरे जो चेहरे के दाग हैं या पिंपल जो थे वो नज़र नहीं आ रहे. इसमें काफ़ी ब्यूटी मोड इसका बहुत अच्छा काम कर रहा है. अब बात करते हैं अगली पिक्चर की, तो अगली पिक्चर ली गई है ग्रुप सेल्फी की, जो मैंने स्नो में ली. बहुत बेहतर डे लाइट रेजोल्यूशन दे रहा है P20 Lite. ऑल ओवर अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, नॉइस कम नज़र आ रहा है, डायनामिक रेंज बहुत बेहतर नज़र आती है. अब बात करता हूँ बुके इफेक्ट की, तो मैंने ये बुके इफेक्ट लिया है सेल्फी के साथ. काफ़ी हद तक इसने ब्यूटी को ब्यूटी कस्टमाइज़ की, लेकिन अगर बात करें इसके ब्लर की, तो ब्लर बहुत अच्छा मिलता है फ्रंट कैमरे में. अब 2018 में हर कंपनी ही फ्रंट कैमरा को मैटर कर रही है. Huawei में P20 Lite में भी बड़ा बैलेंस कैमरा दिया. अब बात करता हूँ नाइट मोड की इस पिक्चर की, तो थोड़ा सा मुझे नॉइस नज़र आया आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में P20 Lite के, क्योंकि फ्रंट पे कैमरा लाइट नहीं मिलती, फ्लैश लाइट नहीं मिलती, इस वजह से काफ़ी हद तक नॉइस नज़र आता है. अब रियर कैमरा की बात करूँगा, तो रियर कैमरा में आपको इस पिक्चर में आप देखेंगे आपको एजेस प्रॉपर मिल रहे हैं, डायनामिक रेंज काफ़ी मिल रही है, नॉइस बहुत कम मिल रहा है. डे लाइट में आपको इसके अंदर बहुत अच्छी रेजोल्यूशन मिलती है. कलर्स की बात करूँ तो बहुत प्रोमिनेंट हैं, वाइट प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, लीव के कलर ग्रीन प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, पिंक कलर, रोज़ कलर के रोज़ बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं. रेयर की बात करें तो वाइट कलर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है. अब बात करते हैं इस पिक्चर की, तो ये एक नॉर्मल लाइट में ली गई हुई पिक्चर है, जो कि ब्लर में है, पोर्ट्रेट मोड में बहुत अच्छी है. अब अगली पिक्चर की बात करते हैं, तो ये ग्रुप सेल्फी ग्रुप रेयर साइड से लिया गया है, बहुत अच्छा इसका कैमरा है. अब बात करते हैं इसके अगली पिक्चर की, तो ये लो आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में पिक्चर ली गई है, काफ़ी नॉइस नज़र आया, लेकिन ऑल ओवर इसका कैमरा बहुत बैलेंस है. अब चलते हैं रियर कैमरा की वीडियो की तरफ. जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे रियर कैमरे की. आप देख रहे हैं आपको स्नो का कलर बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, कैमरे का फोकस बहुत अच्छा है. कलर्स की बात करेंगे तो कलर्स भी इसमें आपको बड़े नेचुरल देखने को मिलते हैं. अगर हम डेप्थ कलर की बात करेंगे तो डेप्थ कलर भी बहुत बेटर नज़र आ रहे हैं. ये हैं यासिर भाई जो मेरे साथ आए हैं. आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को बहुत जल्दी ये फोकस कर पाता है P20 Lite.
अब आपको दिखाएंगे कि इसकी स्टेबलाइजेशन आपको क्या मिलती है तेज से चल के। अगर मैं बात करूँ मिड रेंज के बेस्ट फोन की तो इसके अंदर बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन मिलती है। हालांकि Huawei की तरफ से कोई इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर नहीं दी गई, लेकिन आपको स्टेबलाइजेशन बहुत बेहतर मिलती है। दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको भी होप्स हो कि ये वीडियो देख के बड़ा मज़ा आए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, करते रहिएगा, मेरे से जुड़े रहिएगा। चलते हैं नाइट मोड की कैमरा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हम साल्ट माइन में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि साल्ट माइन में कैसे सॉल्ट के अंदर सॉल्ट निकाला जाता है और कितने गहरे गहरे खड्डे पहाड़ में किए जाते हैं। और साथ ही आपको P20lite के कैमरे का रिव्यू भी देते चल रहे हैं कि आपको P20lite में रेजोल्यूशन क्या मिलता है अगर आप आउटिंग के लिए ऐसी जगह पर जाते हैं जो कि अजूबा हो, खुदा की कुदरत हो उसमें शामिल। फ्लैशलाइट ऑन है, 1080p पर रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं। आगे आपको एक और जगह लेके चलेंगे, फिर इसकी इमेज स्टेबलाइजेशन का भी आपको बताएंगे कि आपको इमेज स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है। अब आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा और होगा। मैं चल के दिखा रहा हूँ खेवड़ा माइन में। काफ़ी हद तक इसकी अगर डायनामिक रेंज देखी जाए तो Huawei ने काफ़ी बेहतर कैमरा दिया इस बजट रेंज में। डुअल कैमरा सेटअप है, एक है 16 मेगापिक्सल का, एक है इसका 3 मेगापिक्सल का। लेकिन जो 16 मेगापिक्सल का होता है उससे 1080p की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 3 मेगापिक्सल का होता है डेप्थ इफेक्ट के लिए, जिससे आपको बुके इफेक्ट मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिलता है, वाइड अपर्चर मिलता है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आगे आपको एक और अजूबा अल्लाह का दिखाएंगे जो खुदा की कुदरत ने इधर खेवड़ा माइन में रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह है एक मस्जिद बनी हुई नमाज के लिए और आपको हमने फ्लैशलाइट ऑन की हुई है। 1080p पर रियर कैमरा से रिकॉर्डिंग चल रही है। कलर्स काफ़ी आपको बेहतर मिल रहे हैं और अगर व्यू की बात करें तो इसके अंदर आपको व्यू काफ़ी अच्छा क्लियर हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। अब आपको इसके थोड़ी सी फोकसिंग दिखाएंगे कि ये फोकस ऑब्जेक्ट को कितनी जल्दी कर पाता है, कितनी जल्दी नहीं। शोर काफ़ी है, मेरी कोशिश है कि मैं अकेला होकर वीडियो बनाऊँ, लेकिन टूरिस्ट बहुत सारे हैं। आप चलते हैं आगे की तरफ और आगे आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको मज़ीद क्या बेहतर ऑप्शन मिलती है कैमरा में, नाइट मोड में क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये साल्ट से बना हुआ एक मीनार पाकिस्तान है जो कि खेवड़ा माइन में पाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी डायनामिक रेंज बेहतर हो गई आर्टिफिशियल लाइट कंडीशंस में आके, जैसा कि आपने कैमरा के पिक्चर्स में भी देखा। और अब मैं वीडियो में आपको साथ साथ दिखाऊँगा कि कौन सी लाइट कंडीशन यहाँ पर आपको बेहतर लगती हैं, कौन सी नहीं। काफ़ी बेहतर काम कर रहा है आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में P20lite का कैमरा। अगर मैं कहूँ इस बजट रेंज में इस तरह का कैमरा किसी और कंपनी ने नहीं दिया तो ये बात हकीकत होगी। वैसे तो ओप्पो भी देता है, वीवो भी देता है कि जी हमारा कैमरा ये काम करता है। सिवाय सेल्फ़ी के ना तो ओप्पो में कोई चीज़ पाई जाती है, ना कुछ हार्डवेयर अच्छा मिलता है आपको। मेरे ओपिनियन हमेशा ओप्पो के बरअक्स ही रहे हैं, क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन Huawei देता है आपको हर बजट रेंज में। अब चलते हैं अपनी वीडियो के एंड की तरफ, तो मेरे साथ रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये था एक रिव्यू P20lite के कैमरा को लेके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको P20lite का कैमरा कैसा लगा, कैसा नहीं। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।